ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय कुमारी आज सुबह लाया हूँ आपको मार्केट पूरा दिखा दें। आज ये छठ की जो तैयारी चल रही है, मतलब जो कल छठ है उसी की यहाँ पे खरीदी करने सब आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे लाइन से मार्केट लगी हुई है। और चलिए हम आपको मार्केट का पूरा टूर कराते हैं, मार्केट में क्या क्या सामान है सब चीज़, और उसके बाद हम चलेंगे सेक्टर 2 तालाब, वहाँ का भी आपको दृश्य दिखाएंगे। और सभी भाइयों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएँ। यहाँ पे कांदा है और नींबू है, केला है, और बहुत सारे सब छठ पूजा में यूज किए जाते फल हैं। और ये मौसमी उसम्मी है, केला उधर सिंघाड़ा है और फूल है, ये तब पूरे पूजा में यूज किया जाता है छठ पूजा में। और इधर भी आप देख सकते हैं केला, सेब, ये सब कंटिन्यू देख रहा है। मार्केट में पूरी भीड़ लगी हुई है। और इधर आप देख सकते हैं गन्ने भी हैं, बहुत सारे गन्ने भी मतलब पूजा में चढ़ाया जाता है। पूजा सामान दिख रहा होगा आपको, देखिए। चलिए आपको पूजा सामान के पास ले चलो। देखो पूजा सामान हो गए, सब चीज़ें मतलब ये छठ पूजा में पूरा यूज किया जाता है। मार्केट में कितने लोग छठ पूजा की पूरी सामान सामग्री खरीदने आए हैं, लाइन से पूरी देख सकते हैं पूरा कितना भीड़ है यहाँ पे, क्योंकि कल छठ पूजा है 2 तारीख को। ये मतलब हर चीज़ यहाँ पे छठ पूजा में चढ़ाया जाता है। फूल हो गया है, और इधर ये सीताफल है, ये अच्छे रंग बिरंगे दीपक हैं, टोकनी भी बहुत सारी लगाई गई हैं, मतलब ये पूरे छठ पूजा में यूज करते हैं। और चलिए अब चलते हैं हम अपने टू तालाब, वहाँ दिखाते हैं आपको वहाँ का क्या दृश्य है। दोस्तों फाइनली हमने आपको पूरा मार्केट का टूर करा दिया। अब हम चलते हैं सेक्टर 2 में, क्या तैयारी चल रही है वहाँ पे छठ पूजा की, वहाँ भी देखते हैं, वहाँ का भी आपको दृश्य दिखाते हैं। हमारी वीडियो में बने रहेंगे कंटिन्यू। आंटी जी अपना पूरा छत की तैयारी के लिए पूजा सामान खरीदे हैं, जैसे हो गया नारियल, हो गया टोकनी, हो गई ये इसको सूपा बोलते हैं, ये सब मतलब पूजा सामग्री पूरा खरीदे हैं। आंटी जी हैं यहाँ पे दुर्ग से आए हुए हैं यहाँ पे सुपेले में शॉपिंग करने। भैया देख रहे हैं गन्ना लेके आए हुए उन्हीं के लिए। चलिए और चलते हैं। दोस्तों हम अभी आज छठ पूजा की तैयारी चालू हो चुकी है, और हम अभी आए हुए हैं सेक्टर 2 तालाब में, आपको दिखाते हैं कैसी यहाँ पे तैयारी की गई सब चीज़ें। ये देख सकते हैं यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग बहुत अच्छी की गई है, आप पीछे देख सकते हैं। और ये देखो चारों तरफ हर तरह लाइटिंग और होर्डिंग लगाई हुई है तेज प्रकाश पांडे जी की, यहाँ पे बहुत अच्छे से तैयारी। चलिए आपको बैक कैमरे दिखाते हैं, पीछे पूरा मतलब रंग बिरंगे यहाँ पे जो छठ की पूजा होती है सब चीज़ें ये आपको दिखा रहे हैं ये। चलिए और आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। और कितने अच्छे से यहाँ पे तालाब की साफ़ सफाई है सब चीज़ें, ये देखिए आप पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और चलिए हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं पूरी डिटेल, देख सकते हैं यहाँ पे बेदियाँ कितनी रंग बिरंगी बेदियाँ डिजाइन में, और कितने अच्छे से यहाँ पे बनाई गई है सेक्टर 2 तालाब में। आप ये देखिए मतलब अच्छे से यहाँ पे सजावट की जा रही है, मतलब पूरी छठ माता की तैयारी की जा रही है। मतलब कल शाम से 4 बजे से यहाँ पे चालू हो जाएगा प्रोग्राम, और परसों सुबह 7 बजे तक रहेगा। बोलते हैं कि यहाँ पे सूरज ढलने तक यहाँ पे तालाब में रहता है, जब सूरज परसों उगेगा तब यहाँ से तालाब में निकलेंगे। मतलब सुबह 4 बजे फिर यहाँ पे आ जाएंगे माता की पूजा के लिए। मतलब ये पूरा आप देख सकते हैं पूरा लोकेशन आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे पूरा हर तरफ पूरी तैयारी की साथ तैयारी की जा रही है। देखिए हम सेक्टर 2 तालाब आ चुके हैं, और सेक्टर 2 तालाब में आप देख रहे होंगे हमारे पीछे कितने यहाँ पे मतलब अच्छा मतलब और अंदर चलते हैं, अंदर आपको भीड़ नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं छठ पूजा के लिए सब लोग आ रहे हैं, उधर आप देख रहे होंगे। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर तो हम अंदर चल रहे हैं, अंदर देख रहे हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे, बहुत सारी भीड़ है। मतलब छठ माता की पूजा करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, और देखते हैं क्या कितनी यहाँ पे अंदर भीड़ है। तालाब के पास चल के देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं बैंड बाजे सुनाए, और कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, बता भी नहीं। बहुत सारी पब्लिक आई हुई है, और कंटिन्यू क्राउड भरा हुआ, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे कितने सारे छठ माता की पूजा कर रहे हैं, यहाँ पे कितने सारे लोग आए हुए हैं, और ये देखिए कितनी सारी क्राउड है, यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, सब लोग छठ माता की पूजा करने आए हुए हैं। तो आप पीछे देख रहे हैं कितने सारे क्राउड हैं, और कितना भीड़ है यहाँ पे। और हम आगे और चल रहे हैं, आगे चल के आपको दिखाएंगे कि कितने सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और कंटिन्यू आपको छठ पूजा की तैयारी। देखिए कितनी सारी यहाँ पे भीड़े हैं, और बहुत सारे लोग कंटिन्यू आ रहे हैं। अभी आगमन कंटिन्यू चल ही रहा है, अभी रुक नहीं रहा, और बहुत जोरों शोरों से यहाँ पे छठ पूजा की तैयारी की जा रही है, पूजा की रही है यहाँ पे। और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। पूजा की पूरी पूजा हो रही है यहाँ पे, देखिए आप पहले लोग बैठे हुए पूरा चीजें। देखिए
यहाँ पे ऊपर से हम आपको चढ़ के पूरा लाइव दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भीड़ देखिए, कितना सारी भीड़ लगी हुई है ये देखिए, और कितना अच्छा यहाँ पे पब्लिक आई हुई भीड़ लगी, ये देखिए माहौल देख सकते हैं, पूरा दिखा रहा हूँ आपको, चारों तरफ का माहौल दिखा रहा हूँ। ये मतलब बहुत सारी क्राउड आई है, सेक्टर 2 ये तालाब का है, अभी क्राउड आए पड़े सेक्टर 2 तालाब का, ये छठ माता की पूजा के लिए सभी लोग कितने जोरों शोरों से यहाँ पे पब्लिक आ रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे ऊपर। हम लोग ऊपर लाइव स्पेशली आप लोग के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबसे ज्यादा, कि ऐसी आपको वीडियो कोई नहीं दिखाया होगा अभी तक। तो देख सकते हैं आप मेरे पीछे, देख सकते हैं कितनी पब्लिक का भीड़ कितनी सारी है, आप बता भी नहीं सकते कितने सारे लोग आए हुए, एक नंबर है ये। हर साल की बात है, हम सब इस छठ के उत्सव में हर तालाबों में जो हमारी माताएं हमारी बहनें बड़ी श्रद्धा से बड़ी भावना से और बड़े दिल से अपने बच्चों के लिए अपने संतान के लिए उनके धन आयु उनकी स्वस्थता के लिए उनके अच्छे जीवन के लिए सकते हैं कि सब लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पूजा पूरी हो चुकी है, और इधर भी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे सब लोग जाने लगे हैं, अब कल सुबह 3 बजे आएंगे और कल 3 बजे का भी आपको वीडियो शूट करेंगे, आपको दिखाएंगे। ये देखिए सब यहाँ पे अब तैयारी हो गई जाने के लिए, कल सुबह की अब तैयारी यहाँ पे चालू करेंगे। दोस्तों शाम की पूजा समाप्त हो चुकी है, अब हम भी जा रहे हैं, और कल सुबह की हम आपको पूजा का पूरा डिटेल दिखाएंगे क्या क्या यहाँ पे होता है सुबह की मॉर्निंग का, जो सुबह 4 बजे होता है। चलिए चलते हैं, अब सुबह मिलते हैं आपसे। दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं अभी 3:30 बज चुके हैं और छठ माता की जो दूसरे दिन की पूजा होती है वो दिखाने आया हूँ। अभी आपको दिखा दूँ तो अभी सब मतलब श्रद्धालु लोग आना चालू हो चुके हैं, अभी धीरे धीरे आए हुए नहीं, अभी कंटिन्यू आ रहे हैं। चलिए अंदर देखते हैं क्या क्या हो रहा है अभी तालाब में। आप देख रहे होंगे कितनी सारी यहाँ पे क्राउड है, कितना भरा हुआ है, लबादा भर चुका है यहाँ से चट्टू तालाब, और कितने सारे लोग आए हैं। ये देख रहे हैं छठ पूजा के लिए आज सुबह मॉर्निंग का टाइम है, ये मतलब 5:30 बज चुके हैं, 5:30 में इतनी लोग पब्लिक, इतनी ज़्यादा पब्लिक आ चुकी है। और देख रहे हैं पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है, और यहाँ पे सभी लोग सूर्य उदय होने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद सूर्य उदय हो जाएगा तो तालाब में जाके सूर्य उदय को नमस्कार करें, नमस्कार करने के बाद फिर अपना फास्ट तोड़ेंगे और घर जाएंगे यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे पूरे आप पीछे देख रहे होंगे सब लोग अपनी छठ पूजा कम्प्लीट करके अब अपना फास्ट तोड़ने वाले हैं, और ये इधर देखिए कितनी सारी भीड़ें लगी हुई लाइन से पूरा आप देख सकते हैं। ये देखिए मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जा रहे हैं माता जी के पूजा के लिए, और पूरा कंप्लीट हो चुका है, उन्होंने अपना फास्ट तोड़ लिया हुआ है। ये देखिए आपको वीडियो कैसा लगता है? वीडियो अच्छी लगती है ना, अच्छा।
छठ पूजा की पूरी पूजा अर्चना कंप्लीट हो गई है। वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, बहुत अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।